इस वक्त की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, जहां पर बिहार और केरल के हर जिले में स्पेशल कोर्ट गठित करने का निर्देश दिया गया है, ताकि सांसद और विधायकों के खिलाफ मामलों का ट्रायल किया जा सके। तो बिहार के हर जिले में स्पेशल कोर्ट गठित करने का निर्देश दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है। और साफ तौर पर यह कहा गया है कि सांसद और विधायकों के खिलाफ जो मामले चल रहे हैं, इसका ट्रायल किया जा सके, स्पीडी ट्रायल हो, इसके लिए किस तरीके से एक बड़ा कदम उठाया गया है, ये साफ तौर पर कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि केरल में स्पेशल कोर्ट गठित किया जाए। तो केरल और बिहार दोनों जगह पर हर जिले में स्पेशल कोर्ट गठित करने का निर्देश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, एक बड़ा कदम। और इसके पीछे की वजह बताई जा रही है ताकि सांसद और विधायकों के खिलाफ मामलों का ट्रायल किया जा सके। और इसीलिए अब किस तरह से निर्देश भी दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की ओर से, खासतौर पे केरल और बिहार की सरकारों को, कि वो हर जिले में स्पेशल कोर्ट गठित करें, ताकि जल्द से जल्द सांसद और विधायकों के खिलाफ जो मामले चल रहे हैं उनका ट्रायल किया जा सके। सुमित कुमार हमारे साथ है तमाम जानकारियां देने के लिए। सुमित, ये बताइए कोर्ट ने क्या कुछ कहा है निर्देश देते हुए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के हाई कोर्ट को ये डायरेक्शन दिया है कि एमपी एमएलए के खिलाफ जो लंबित मुकदमे हैं उनकी सुनवाई के लिए सेशन जज और मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाए, क्योंकि इस पूरे मामले में कोर्ट में जो जनहित याचिका स्वनी उपाध्याय की ओर से दायर की गई है, इसमें मांग की गई है कि जो भी सांसद, दागी सांसद और विधायक हैं, उनके मामले का तेजी से निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट जो है इस पूरे मामले को लेकर डायरेक्शन दे चुका है। कोर्ट ने कहा है कि सेशन जज उन 430 मुकदमों को प्राथमिकता दे जिनमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान हो सकता है, और इसके अलावा बिहार और केरल हाई कोर्ट सुनवाई करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। 14 दिसंबर को पहली प्रगति रिपोर्ट जो है कोर्ट इस पूरे मामले को 16 दिसंबर को स्टेटस रिपोर्ट फाइल करनी होगी इस मामले में, कि क्या कुछ कदम उठाया गया है, जो निर्देश दिए गए उसको लेकर।